हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं कि पूरी दुनिया में और इंडिया में आज दिवाली कैसे सेलिब्रेट हुई थी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कनाडा, अरे वाह, नाइस। ये भी कनाडा ही है। तो बड़े अच्छे पटाखे उधर जलाए इन्होंने। कहाँ कर रहे हैं ये? कमाल है। ये कौन सी बिल्डिंग के पास कर रहे हैं? ये कौन से यूएसए? अरे वाह, ये कौन से न्यूयॉर्क? हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या मजा आ रहा है, अब मजा आया ना। वाह, यूके में ये तो प्रॉपर मेला टाइप हुआ है। वो तो यूएसए भी लग रहा है क्योंकि टाइम्स स्क्वायर में भी ऐसे हुआ था। ये कौन सा दुबई लग रहा था? लोग जो रहते हैं यहाँ पे, वो घरों का, ये कई बार ही देखा हमने जो यहाँ लोग रहते हैं सबने दिवाली के अपने घरों में किया हुआ। इनका बुर्ज खलीफे का क्या हुआ, उसमें भी किया हमने। अरे वाह, बड़ा अच्छा था। बिल्डिंग के बीच में से ऐसे लग रहा था निकल रहा है। मलेशिया, वाह। तो प्रॉपर इन्होंने कहीं फाउंटेन के पास बनाया हुआ है, मॉल में जैसे बनता है कि मॉल तो नहीं है, नहीं बाहर लगा है। वाह, ये किसको किया है? ये तो इतना बिल्डिंग्स की नहीं है, एक पाथ के ऊपर, रोड के ऊपर। वाह, सिंगापुर में। कमाल है यार, ऐसे लगता है इंडिया में ही हो। दिवाली की अच्छी सेलिब्रेशन होने लग गई है। साउथ अफ्रीका, अरे वाह। 20 साल पहले दिवाली कहीं भी कुछ नहीं होता था, 20 साल में इतना फर्क पड़ गया। जयपुर, अरे वाह यार, ऐसे मुझे भी जाना है ऐसी जगह पे, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। बचपन में अगर बोलते थे ना, मम्मी पापा कहते थे नहीं अभी बड़ा रश है, वो टाइम नहीं अभी जाने का। उसे मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसे ऊपर लगी हुई। ये भी जयपुर है। अच्छा, अहमदाबाद, वाह। ऊपर क्या बना हुआ है, छतरी टाइप, अम्ब्रेला क्या बनाया है? लाइट से क्या बना हुआ है भाई? वो बस देखो कितनी अच्छी है, व्हाइट वाली। ये भी अहमदाबाद है। दिल्ली भी दिखा दो ना, दिखाएंगे दिल्ली, दिखाते हैं। अयोध्या, वो तो बेस्ट होगा। अरे वाह, ये वो है ना, वो मार्ग जो था वो एकदम, तो फायरवर्क्स देखने वाला सबसे बेस्ट। दिवाली पे जाना चाहिए अयोध्या तो। अरे वाह,
ये स्क्रीन लगाया हुआ है उन्होंने रस्तों में। अरे वाह क्या फील आए, सोचो मुझे तो ऐसे फील हो कि मैं पहुंच ही गई हूँ उस टाइम के अयोध्या में। वाह वाह नाइस, जगमगा रहा है। जैसे सुनते थे ना कहानियों में, जैसे पढ़ते हैं तो बोलते थे ना अयोध्या जगमगाती जगमगा रही होती है, वैसे बहुत ही मजेदार था। अयोध्या वाज द बेस्ट, अयोध्या हैड टू बी द बेस्ट यार, मैं तो पहली पता। और ये तो अभी उन्होंने पूरा दिखाया नहीं, हमने एक और जो वीडियो की है उसमें देखना, अयोध्या में जो फायरवर्क्स हुई हैं, जो ड्रोन चले हैं, जो लेजर शो हुआ है, ओहो कमाल था। और वो भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है, वैसे कितना बढ़िया हुआ होगा। और मैं तो हर बार ही बताती हूँ कि ऐसी चीजें लाइट से रिलेटेड जो चीजें ना, कैमरे में देखोगे कुछ नहीं, वो उसका 10% होता है। इंडिया की हर सिटी में फायरवर्क्स तो होना चाहिए, होना चाहिए दिवाली के दिन। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, स्पेशली अगर दिल्ली में अयोध्या में नहीं होंगे तो आपको अरेंज करने चाहिए उनको, मतलब क्या कहते हैं वो धरना टाइप जो है ना, वो देना शुरू कर दो कि भैया अगली बारी के लिए या तो तुम फायरवर्क्स अलाउ करो पटाखे जलाने, और अगर तुमने उनको मना करना है तो हर जगह पर ऐसी जगहें बनाओ जहां पे तुमने अयोध्या की तरह करना है, हर एरिया में तुम अच्छा ताकि करो, सब पब्लिक के लिए हो, एक सेंट्रल जगह करो। सेंट्रल तो इतने लोग हैं तो वो एक सेंट्रल नहीं कर सकते, एटलीस्ट दो तीन जगह तो तुम करो ही करो, जैसे यहाँ पे नहीं होता 4th of July में जगह जगह, वैसे ही होना चाहिए ताकि एटलीस्ट तुम ये पॉल्यूशन के बहाने से हमारे जो है दिवाली का तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया ऊपर से बोला लोगों को नहीं करना प्रॉब्लम। मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस बारे में कि ऐसे, और अयोध्या से सीखना चाहिए बाकी सारी स्टेट्स को। मगर अगर दिल्ली में अगर वो पटाखे जलाएंगे भी, आई डोंट थिंक वो आके पकड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो। ओ मैं बताती हूँ, मैं पापा से बात इसी बारे में कर रही थी, मैंने कहा कि क्या इस बारी फिर से बैन कर दिया है, तो वो कह रहे थे दिल्ली में कहते हैं हाँ बैन है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ आवाज आई, मम्मी कहते लो पटाखे चल रहे, मैंने कहा बैन है, पटाखे चल रहे। मुझे नहीं लगता कोई पकड़ने वाला, सुबह का टाइम था दिवाली की, सुबह का टाइम था, अभी रात भी नहीं हुई थी। बैन हो नहीं बैन हो, मेरे ख्याल से लोग तो चलाएंगे, वो तो चलाएंगे, कितना तुम बैन चला लेंगे, कहां कहां तुम किसी घर में कहां जाके छतों में पकड़ोगे, कितना तुम बैन करोगे। एक बारी समझ में आ गई, दो बारी हो गई, तो तीन चार साल से दिवाली मनानी। मैं तो कहती हूँ, मैं तो पापा को कह रही थी केजरीवाल के घर के पास जाके सबको पटाखे जलाने चाहिए, उसके बाद दिवाली मनाओ, ताकि उसे पता चले कि तुम बैन करते रहते पता हो। लगा वो खुद भी बना रहा था। हाँ वो भी बनाएगा अपने घर के पीछे बना रहा होगा। नहीं पर बहुत सुंदर था, दुनिया के हर एक कोने का देखा, वाह क्या इट वॉज ब्यूटिफुल। और जैसे पटाखे जल रहे हैं, चलो आपने लाइट्स लगा दी बिल्डिंग्स पे या मेन उस पे वो कर दिया, पर पटाखे जलाना हर जगह पर और इतने अच्छे, वो देख के मजा आ गया यार। nice. तो चलो आप भी शेयर करना, बताना आप लोगों ने कैसे दिवाली मनाई, पटाखे जलाए, और अगर जलाए पटाखे जलाए फोड़े तो ये बताना कहाँ पे थे, दिल्ली में थे कहाँ थे कि और बताना बैन था कि नहीं थे। वही तो पूछने के लिए, दिल्ली वाले तो जरूर लिखना कि पटाखे फोड़े कि नहीं, नोएडा जाना पड़ा बेचारों को। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।